हमारी पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी हुई है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं और लगभग 5000 साल पुराने मिस्र की सभ्यता के पिरामिड्स इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी ममी, फराओ और पिरामिड्स के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती हैं। और आज हम आपको हमारी वीडियो में प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी ही जानकारियां देने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, शायद आप भी ना जानते हो। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, क्योंकि मिस्र के पिरामिड्स अपने आप में रहस्यों का रहस्य है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से कीजिए और साथ में लगी घंटी को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहद गर्म जगह है मिस्र। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, यहाँ तापमान 114 डिग्री तक पहुँच जाता है। मतलब कल्पना से परे, इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड्स का तापमान 68 डिग्री ही रहता है। और तो और, पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि गिजा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था, ऊपर का 10 मीटर अब गिर चुका है। उसका आधार करीब 54,000 या 55,000 मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व उसे बनाया गया था। ये इसके बावजूद है कि उस समय की मिस्रियों की टेक्नोलॉजी शून्य के समान थी। और सोचने वाली बात यह है कि भैया उस समय में मिस्र की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो लगभग जीरो थी। कुछ लोग पिरामिड्स में स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालती है। और जानने की बात भाई ये भी है कि गीजा के तीनों पिरामिड्स के ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं, और मिस्र में जहाँ पिरामिड बने हैं वो ही धरती का मध्य केंद्र है। गीजा का मशहूर पिरामिड। दोस्तों कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओरियन बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरियन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ऑसिरिस से भी जोड़ा जाता था। लेकिन रुकिए, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं? हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं आगे की जानकारी आपको बताता हूँ। ज्यादा पिरामिड लूटे जा चुके हैं भाई। माना जाता है कि तुतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया, और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। अब जानते हैं इनके कुछ अजीबोगरीब सच के बारे में। मिस्र के निवासी बालों से करते थे नफरत। क्या बात है, मतलब यहाँ के लोग तरसते हैं बाल उड़ जाए तो हाय बाल आ जाए, लेकिन वहाँ के लोग नफरत करते थे भाई। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी जितनी दो दुश्मन में आपस में भी नहीं होती, यहाँ तक कि बीवी और सौत में भी नहीं होती। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो शरीर के हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं है बल्कि विग है भाई। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पे ना पड़े भाई। मेकअप का बहुत चलन था इन लोगों में। जी हाँ, मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। महत्वपूर्ण था मुंह को साफ रखना। वही इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। ये माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह से टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राग के मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई थे। दोस्तों माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? यस, अलेक्जेंड्री में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मक्लोडिया से ताल्लुक रखती थी। क्लियोपेट्रा टॉलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की लैंग्वेज बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र की वंश नहीं थी। मोटे होते थे मिस्र के फराओ। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा, यहाँ के फराओ पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद ये बात सामने आई कि फराओ की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन यस ऐसा होता था। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, भाई उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिलवा देता था। लेकिन यहाँ तो अलग है, कोई अगर बौना है तो उसको एक अलग नजर से देखा जाएगा, ऐसा आका जाएगा कि वो काबिल नहीं है, और ये गलत है। गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल काम होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे बल्कि वो कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ साफ नजर आता है। मैं तो कभी गया नहीं, आप जाए तो देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना, तो फटाफट से लाइक करो ना यार। हाँ, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च करता हूँ तो बॉस सब्सक्राइब तो करना बनता है। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।